देखो बेटा, हमारा लिम्फ रह गया था और इस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, लिम्फैटिक सिस्टम। क्या नाम देंगे, लिम्फैटिक सिस्टम। तो हमारे लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, लिम्फ आता है। फिर क्या कहेंगे हम, लिम्फ वेसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है, लिम्फ नोड्स होंगे। और क्या होते हैं बेटा, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ क्या होता है बेटा, फ्लूइड है, फिल्टर्ड ब्लड कहते हैं इसे हम। क्या कहेंगे, हमारा फिल्टर्ड ब्लड, जो ब्लड फिल्टर हुआ है वही हम आपको बाद में। लिम्फ वेसल्स क्या होती है बेटा, अगर हम बात करेंगे लिम्फ, इसमें आर्टरीज नहीं होती। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेन, हालांकि हम इसे वेसल ही नाम देते हैं, बट ये किसके सिमिलर होती है, वेन्स के सिमिलर होगी। किसके सिमिलर होगी, हमारी वेन्स के सिमिलर होती है। मीन्स इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, वाल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो भी लो प्रेशर के साथ में जाता है, तो उस बैकफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, वाल्स प्रेजेंट होंगे। और दूसरी लिम्फ वेसल्स मेन क्या होंगी, यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज होंगी। क्या होंगी बेटा, लिम्फ कैपिलरीज, जो लिम्फ को इकट्ठा करेंगी, इस लिम्फ वेसल में पहुँचाएगी। और ये लिम्फ वेसल किस में पहुँचाती है, मेन वेन्स के अंदर। ये लिम्फ वेन ना कहकर हम इसे मेन हमेशा बेटा क्या नाम देंगे, लिम्फ वेसल से लिखा होगा, जो किसके सिमिलर होगी, हमेशा वेन्स की। तो लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स अलग अलग ना, सेलेक्टियल्स आपने पढ़ा जो फैट से, तो मेन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स ब्लड को इकट्ठा करती हैं, ठीक है, सॉरी, इसको लिम्फ को इकट्ठा करेंगी और मेन वेन के अंदर ये इसे पहुँचाएंगी। लिम्फ नोड्स, जैसे कि ये मान लें, इमेजिन करिए कैपिलरीज हो जाती है, लिम्फ कैपिलरीज, यहाँ से फिर ये क्या होगी बेटा, ये लिम्फ वेसल्स होगी, मेन वेन होगी, और ये क्या होंगे बेटा, इस तरह से यहाँ नोड बने होंगे। क्या बने होते हैं, यहाँ पे लिम्फ के नोड बने होंगे। अब भी टिश्यू से कोई चीज़ आएगी यहाँ पे, तो टिश्यू के अंदर वेस्ट भी हो सकता है, उस टिश्यू के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो लिम्फ नोड में एक्चुअली क्या होती है, ये लिम्फ नोड किसका काम करेगा, फैगोसिटिक का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, ये फैगोसिटिक की तरह बिहेव करेगा। फैगो मतलब किस तरह से, जो भी कोई बैक्टीरिया होगा उसको क्या करेगा, एंगल्फ, ताकि वेन में हमारा कैसा लिम्फ जाए, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूड है वो कैसा जाए, बिल्कुल प्योर जाए, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अलग अलग होते हैं, स्प्लीन होता है, थायमस होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं, जैसे मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बताए हुए हैं। और पेयर्स पैचेस तो मैंने अभी आपको 10th क्लास के अंदर इंटेस्टाइन में बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या नहीं होगी बेटा, विलाइज प्रेजेंट नहीं होती। जहाँ पे विलाइज प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, पेयर्स पैचेस कहेंगे। तो मेन हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्प्लीन कह रहे हैं और थायमस, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, लिम्फ सिस्टम के अंदर लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ नोड्स एक तरह से किसका काम करती है, पुलिस चौकी का काम करती है। किसका काम करेगी, पुलिस चौकी, मतलब हमारे शहर में अलग अलग जगह पे क्या होती है, पुलिस चौकियाँ होती है, कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल जो भी केसेस आते हैं वहाँ। इन द सेम वे, जब हमारे टिश्यू से फ्रूट लेके आएगी, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, चेक करती है कि इसके अंदर यहाँ पे कोई वेस्ट तो नहीं है, या फिर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई जर्म तो नहीं है, उसको क्या करेगी, किल करने का काम करती है। अब ध्यान देंगे किस तरह से होगा, ये हमारे क्या हो गया, हार्ट हो गया, ये हमारा कोई भी क्या हो गया बेटा, ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे हार्ट से क्या आ रही है, आर्टरीज आ रही है। आर्टरीज से क्या हो जाती है बेटा, हमारे पास ये ब्रांच हो जाती है, आर्ट्रियोल कहेंगे। फिर ये हमारे पास क्या होगी, वेन होगी, और वेन क्या करके लेके जाएगी, यहाँ से इसमें ब्लड वापस लेके जाएगी, और आपस में ये क्या होता है, कैपिलरी बेड, कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी होगी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से आया ब्लड, इसमें ब्लड हमारी कैपिलरीज क्या होती है, परमिएबल होगी, यहाँ से हमारा ब्लड किसके अंदर आ गया, फिल्टर होके यहाँ पे, तो इस ब्लड से सारे की सारी चीज़ें हम क्या आ जाती है, प्लाज्मा आ जाती है, और एक ही सेल आएगी, वो सेल कौन सी आएगी, WBC, और WBC में से भी कौन सी सेल आती है बेटा, ओनली लिम्फोसाइट सेल आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये एक फ्लूइड बन गया, इसे हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू फ्लूइड, और यही टिश्यू फ्लूइड क्या कहलाया जाता है, लिम्फ, क्या कहलाया जाता है, लिम्फ। लिम्फ को हम क्या कहते हैं, मिडल मैन, जो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मिडल मैन, इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी कहेंगे। पहला मीडियम तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ब्लड, सेकेंड कौन सा होगा, लिम्फ होगा। अब यहाँ पे आ गया टिश्यू या ऑर्गन को जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट ले लेता है, बाकी अब सारा का सारा कहाँ पे जाएगा बेटा, ये वेन्स के अंदर जाना है। अब वेन्स के अंदर ऐसे तो कभी भी नहीं जाते, तो यहाँ इसी ऑर्गन से, हर ऑर्गन से कैप जुड़ी रहेंगी, कैपिलरीज होंगी, यहाँ इन कैपिलरीज को हम क्या नाम देते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। क्या देंगे बेटा, लिम्फ कैपिलरीज, जो किससे जुड़ जाती है, लिम्फ वेसल से, किससे जुड़ जाती है बेटा, लिम्फ वेसल, जो वेन जैसी होंगी,
और ये क्या होती है, इस तरह से गई, यहाँ पे थोड़े नॉड बने होंगे, इसे हम क्या नाम देंगे, लिम्फ नॉड कहेंगे, फिर यहाँ से आती है लिम्फ नॉड, ये इस लिम्फ वेसल हो गई, और यहाँ पे इस तरह से बार बार इस बीच में क्या होते हैं, लिम्फ नॉड। अब यहाँ पे फ्लूड आएगा, इसमें से फ्लूड आएगा, तो फ्लूड आएगा तो यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक तरह से पुलिस का चौकी का काम कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, कोई भी वेस्ट होता है, तो उसको क्या करें, ख़त्म करने का काम हर जगह पे, और ये इस तरह से किसके अंदर कनेक्ट हो जाती है, वेंस के अंदर, किसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी, वेंस, दोबारा हमारा फ्लूड किसके अंदर आ जाएगा, वेंस में, और ये कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक बेटा, हर जगह से, यानी कि मैंने आपको यहाँ बताया हमारे अंदर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन होंगे, तो हर ऑर्गन से क्या होंगे बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम भी पैरेलल चलता रहता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ। तो आपको आया समझ में, लिम्फेटिक सिस्टम हमने क्या कहा, लिम्फ, जो हमारा ब्लड फिल्टर हो क्या रहा है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिम्फ। वो लिम्फ दोबारा से किसके अंदर जाएगा बेटा, ये लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स होंगी, ठीक है, लिम्फ वेसल्स से क्या होंगे, बीच बीच में लिम्फ नॉड्स प्रेजेंट होंगे, जो वेस्ट को और बैक्टीरियाज को खत्म करने का काम करती रही, किससे कनेक्ट होती रहेंगी, वेन से। आ रही है मेरी बात समझ में, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर हम बात करेंगे, लिम्फ ऑर्गन थाइमस हमारे हार्ट के पास में होती है, एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, हम हार्मोन वाले में बताएंगे, स्प्लीन के बारे में बेटा आपको सबको पता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन अगर आता है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन अगर हमारे पास आता है, तो वो क्या होता है, स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होगा, नियर स्टमक। ये हमारे थाइमस हमारे हार्ट के मतलब पास प्रेजेंट होता है, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। स्प्लीन वैसे तो छोटा ही नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन, उनमें से सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, स्प्लीन। अगर हम बात करेंगे स्प्लीन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्प्लीन के बारे में पूछ लेते हैं, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लड बैंक भी कहते हैं, और इसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहें बेटा, ऐसे ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड बैंक हम कब कहेंगे, जब हम रेस्ट कंडीशन में करते होते हैं, व्हेन वी आर इन द रेस्टिंग कंडीशन, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमारे अंदर जो एक्सेस आरबीसीज हैं वो कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, हमारे स्प्लीन के अंदर। कहाँ हो जाती है, स्प्लीन के अंदर। जब हम काम करते हैं, तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, तो स्प्लीन क्या प्रोवाइड कर देगा, उस आरबीसी को प्रोवाइड कर देता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड क्या कहता है, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है। ये क्या होता है, जब हमारे अंदर जो डेड आरबीसीज होती हैं, मर जाती है जो हमारी आरबीसीज, डेड आरबीसीज होती है, वो भी कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, स्प्लीन के अंदर, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेवयार्ड। स्प्लीन से कहाँ पे जाती है, लीवर के अंदर जाएगी, और जहाँ से बाइल पिगमेंट को रिलीज करेगी, ठीक है बेटा। तो ये स्प्लीन के बारे में आपको याद रख लेना, पूछ लेते हैं, स्प्लीन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिम्फोइड ऑर्गन में, इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, लिम्फ, लिम्फ के बारे में जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, लिम्फ को हम क्या कह रहे हैं, मिडल मैन, और ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी, और लिम्फ को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा, और प्लस कौन सी सेल होगी, लिम्फोसाइट सेल्स होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, दोबारा से देखने पर जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फिल्टर्ड ब्लड, जिसके अंदर हम प्लाज्मा प्लस हमारे लिम्फोसाइट सेल्स होगी, लिम्फ वेसल्स में एक कैपिलरीज होती है, और एक मेन लिम्फ वेसल होगी जैसे वेन की जैसी होती है, मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, वाल्व्स प्रेजेंट होंगी। लिम्फेटिक नोड्स किसका काम करता है, पुलिस चौकी का काम करता है, जो क्या करता है बेटा, लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, एंगल्फ कर जाता है बैक्टीरिया जब भी वेस्ट होता है उसको, और प्लस क्या होती है, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी हम कहेंगे। हमारा ब्लड यहाँ से आर्टरीज से आ रहा है, आर्टरी से भी ब्लड कैपिलरीज यहाँ फिल्टर होगा, यहीं पे हमारे इंटेस्टाइन को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और टिश्यू फ्लूइड से हमारे पास, इसे हम लिम्फ कहते हैं। फिर यहाँ से जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमारा ऑर्गन अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बाकी कहाँ पे चला जाएगा, जो भी ऑर्गन एक्सक्रीट किया है वो कहाँ पे चला जाएगा, इस लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में। नोड चेक करता है कि ब्लड में कुछ मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा में है, या जो भी हार्मफुल चीज़ है उसको क्या करेगा, ख़त्म करने का काम करते हैं, और फिर वो आगे जाके किसके अंदर मिल जाती है, मेन वेंस के अंदर मिल जाती है। और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है, स्प्लीन, स्प्लीन का हम क्या नाम देते हैं, ग्रेवयार्ड एंड ब्लड बैंक भी कहेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके।